उपचुनाव में मतगणना स्थगित कर दी गई है। 4 ईवीएम मशीनों में खराबी आई है और मीडियाकर्मी को बाहर भी किया गया है। सभी छात्र संगठन हंगामा कर रहे हैं, छात्रों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी है, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। मतगणना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से, जहां छात्र संघ चुनाव में आज वोटिंग होनी थी, आज नतीजे आने थे, लेकिन खबर यह आ रही है कि 4 मतगणना की जो ईवीएम मशीनें हैं वो दरअसल उनके खराब होने की वजह से मतगणना प्रभावित हुई है। और इस बात को लेकर अब छात्रों में काफी नाराजगी है, गुस्सा है, छात्रों ने हंगामा किया है, तोड़फोड़ करने की भी खबर सामने आ रही है। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो छात्रों का गुस्सा एक बार फिर सर चढ़ कर बोल रहा है। आपको बता दें, आज डोसू चुनाव के नतीजे आने थे, मतगणना होनी थी, लेकिन ये नहीं हो पाया। वजह यह बताई जा रही है कि 4 ईवीएम मशीनें खराब हैं, और इस बात को लेकर अब छात्र संघ के जो चुनाव के नतीजे वो अटक गए हैं और छात्रों में काफी गुस्सा है। छात्र संगठन हंगामा कर रहे हैं, कई जगह छात्रों ने तोड़फोड़ कर दी है। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर डोसू चुनाव से जुड़ी हुई, जहां आज वोटिंग होनी थी वो काउंटिंग आज नहीं हो पाई है। वोटिंग हो चुकी है और काउंटिंग का इंतजार छात्र कर रहे हैं, लेकिन छात्र संगठनों का गुस्सा उस वक्त सातवें आसमान पर पहुंच गया जब मतगणना को स्थगित कर दिया गया है। 4 ईवीएम में खराबी बताई जा रही है।